गाइज आज मुझे आपसे तो गाइज आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, कुछ कमेंट्स का कुछ बातों का जवाब देना है जो कि मैं बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी, बट आज कुछ ज्यादा हद हो गई तो मैंने सोच रही हूँ आज उन सबका मतलब रिप्लाई दूंगी मैं, तो देखते रहना इन्हें देखो क्या करा आए मेरे लिए ना, मेरा होता है कि मेरे लिए आए ये और खाते ये सब है, खा लिए मैंने ये यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं। तनुदी तनुदी भी घर आ गई है और तनुदी ना काजल दी ने मेरे साथ ना इंसाफी करी, वो झूठ बोलती है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे से ना शादी के टाइम पे ये हुआ था कि भाभी जब आपकी शादी जाएगी ना तो हम आपके पास ही रहा करेंगे, है ना, आपको मन लगा रहा करेगा, बट अब कॉलेज भी मतलब ये है कि हाँ तीन चार बजे आती है बट घूमने भी नहीं आती है, मेरे से मिलने भी नहीं आती है। नहीं, देखो पापा गए मैं यहीं पे तो हाँ। वो भी कितनी बार फोन आ गए घर जाने के लिए और जब जाके मैं सबसे गुस्सा हूँ, अगर सब ब्लॉग देख रहे ना मैं सबसे गुस्सा हूँ, कोई भी आता काल दी तो बिल्कुल नहीं आती, तनुदी तो आ जाती है काल दी बिल्कुल नहीं आती, काल दी जब आती जरूरी होता है और बाकी सब तभी खाना वाना खाएंगे हम, फिर उसके बाद आपसे आज बहुत सारी बातें करनी है तो बातें करनी। तो गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर और सबने खाना वाना खा लिया है, अब मैं बस सोने जा रही थी तो सोचा आप सबके ना कुछ कमेंट, मैंने एक वीडियो डाली थी तो उस पर ना बहुत सारे कमेंट थे जो कि आप सबके क्वेश्चन भी है ये कि मतलब मेरे प्रेगनेंसी को लेके काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित में हैं, चिंता में हैं मेरे से ज़्यादा, तो आप सबके रिप्लाई करना है तो उठा ले, कहते आ रहे हैं, बोल दो आ रहे हैं। तो गाइज मैं आप सबके रिप्लाई देने आई हूँ, मतलब इस व्लॉग में रिप्लाई दूंगी, मतलब मैंने एक रील बनाई थी अभी, मैंने शाम का टाइम डाली थी, नहीं कल डाली थी मैंने वो रील, तो उस रील पे मतलब सही व्यूज गए और कमेंट भी आप सबकी अच्छी थी, बट कुछ लोगों की कमेंट ऐसी होती है ना कि पढ़कर दिमाग खराब हो जाता है, वो वाली चीज़ थी, मतलब यार क्या है लोगों को, अगर जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए तो जल्दी हो गई, लेट हो जाए तो इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं करी। और सबसे पहले बात हमारा कुछ बोलना चाहोगे, सब मतलब ये कमेंट कर रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दी प्रेगनेंसी, इतनी जल्दी ये सब चीज, जल्दी क्या भाई, अगर हो रही है तो क्या करें ना करें। हम बात ये थी कि कुछ चीज़ें ना हमारे भी हाथ में नहीं होती, जो हम फैमिली जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो हमारे साथ फैमिली है तो अब सबसे बड़े ये हैं और मैं भी सबसे बड़ी हूँ मतलब घर में, और सब चाहते हैं कि हमारे घर में एक छोटा सा मतलब हो मेहमान, जो लाइट ना लाइट तो लाइन रखी मैंने, तो गाइस इस चीज़ को लेके ना मतलब जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो हम सारी चीज़ें अपनी नहीं चला सकते, और ना ये प्लानिंग सबकी होती है कि हम शादी के बाद इतने टाइम बाद बेबी करेंगे, हमारा भी यही था कि हम शादी के एक दो साल बाद बेबी करेंगे, क्योंकि हमें भी अपने मतलब मैरिड लाइफ पहले इंजॉय करनी थी अच्छे से, उसके बाद ही हम बेबी प्लान करते, बट मम्मी जी मतलब सब ये चाहते थे कि हमारे घर में एक छोटा सा मतलब बाबू आ जाए, मतलब जो भी एक छोटा सा मेहमान आ जाए पहल का, ताकि थोड़ा सा तसल्ली हो जाए, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं, मैं भी सबसे बड़ी हूँ घर में, तो हमने ऐसा तो प्लानिंग तो हमारी यही थी कि हम एक दो साल बाद करें, बट जब हो गया तो हमने उसको कुछ ऐसा नहीं सोचा कि मैं कुछ है ना बता जाओ दो मेरे व्लॉग में, जब हमने ऐसा तो प्लानिंग कर रखी थी कि हम एक दो साल बाद ही करेंगे, बट मम्मी जी ने वही बोला था कि तुम्हारी मर्जी है लेकिन अगर हो तो कुछ ऐसे दवाई वगैरह कुछ मत करना, तो जब मतलब हो गया तो हमने घर में बताई, ओ भाई हम तो खुश है कि हो गया, हाँ। क्योंकि मैंने इतने ऐसे ऐसे केस सुन रखे हैं कि मतलब शादी के 5-5 साल बाद 10-10 साल बाद बच्चा होता है, इलाज करवाने के बाद पता नहीं कितनी चीजें उन्हें करनी पड़ती है, उसके बाद बच्चा होता है, हम तो खुश है भाई। तो जब हुआ तो मैंने घर पे बताई, इन्हें बताई, तो मम्मी जी ने यही बोला कि तुम मतलब इस लाइन में हो, मुझे पता तुम्हारी अभी शादी हुई है, तुम उसे मतलब जो भी होगा उसकी टेंशन मतलब वो हम संभाल लेंगे, बट ऐसा गलती मत करना, अब इसको वो मत करना है तो रहने दो, क्योंकि जिसका बड़ी जिसको जिसके पास बड़ी मुश्किल से बच्चा हुआ है या
मतलब शादी के बहुत क्योंकि साल बाद हुआ है ना, ये चीज हाँ उन्हें पता होती है कि मतलब ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो और फिर सबसे बड़ी बात, हम जॉइंट फैमिली में तो मुझे टेंशन नहीं है कि होगा या होगी तो मतलब उसे मैं कैसे संभाल लूंगी, क्योंकि मम्मी जी हैं और मतलब पापा जी हम मतलब हमें टेंशन ही नहीं है, तो इस वजह से हमने फिर इस चीज को ये नहीं सोचा कि नहीं अभी नहीं कर दे, फिर हो गया तो हमने फिर वो नहीं करा कि भाई नहीं रखना ये वो ऐसे करके, जब हो गया था तो हमने ही सोचा कि अब हम मतलब इसको रखेंगे, ये था। और रिएक्शन जो थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आप सबको कि जब बताए थे मैंने क्या थे अभी, बट बस मेरा कुछ कमेंटों को लेकर दिमाग खराब था कि इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है, मतलब एक कमेंट ये थे, मतलब एक नहीं बहुत सारे कमेंट थे कि इतनी जल्दी प्रेगनेंसी, इतनी जल्दी प्रेगनेंसी, अरे मतलब कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है ना, तो वे वाली चीज थी, अब हो गया था तो हम उसको बेकार नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से फिर हमने वो रखा है ना। और मुझे टेंशन नहीं है कि मैं उसे कैसे रखूंगी, क्योंकि मेरे मेरे पास बहुत लोग हैं संभालने के लिए, क्योंकि मुझे तो इतनी नॉलेज भी नहीं है बच्चों को कैसे संभालते कैसे रखते हैं, मेरे पास मम्मी जी हैं मतलब मेरे पास पूरी फैमिली है, तो इसलिए हमने ज्यादा फिर वो नहीं करा कि भाई नहीं अभी नहीं करना ये वो, हमने कर लिया। और फिर उसके बाद कमेंट ये थे कि इतनी जल्दी प्रेगनेंसी का तो रीजन यही था, ठीक है कि इतनी जल्दी शादी इसलिए करी होगी पहले से होगा, हाँ मैं कह रहे कि 7-6 साल जल्दी शादी का, करें, जल्दी शादी हाँ का खास हो गया। मतलब कि 6 साल का रिलेशनशिप था, साथ में रहते थे, और जल्दी जो अभी शादी हुई है ना, मतलब हमने शादी करी है इसीलिए करी है कि कुछ था पहले से ही, मतलब बहुत ही कमेंट ये थे कि कुछ था पहले से ही एक इस चीज वजह से बताओ, कमेंट हमारी शादी करी। एंगेजमेंट जो हुई थी वो हुई थी अक्टूबर में, ठीक है, 23 अक्टूबर को। हाँ उसके बाद हमारी शादी हुई है मार्च में, तो मतलब ये हमारी पहले से प्लानिंग थी कि मतलब इतनी चीजें हमने पहले से कर रखी थी। हाँ मतलब ये कमेंट है कि मतलब पहले से था इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में शादी करी है, तो और यूँ कह रहे कि हाँ और कमेंट ये थे कि हाँ वो तो अभी तो है, शादी को 2 महीने भी नहीं हुए और इतना पेट जाने निकल वो गया, तो इतना टाइम हो गया है उसकी ना, जरूरत है। तो ये इसके भी रिप्लाई सुन लो, 1 मिनट रुको बस ये कॉल आ गई इनकी, हाँ 1 मिनट बंद कर लो ना। हाँ तो ये था कि अभी तो शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ और इतना पेट कैसे निकल गया, तो शादी को कितना टाइम नहीं हुआ, शादी हो गई जिस जिसको पता है सबको पता है कि हमारी शादी हुई थी मार्च में, 4 मार्च को। 4 मार्च को शादी हुई थी। मार्च से अभी अगर मैं लगाता हूँ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 महीने हो गए शादी को, मतलब अभी शादी हुई है, कल कल परसों में शादी हुई है हमारी। तो वैसे ही उन लोगों के लिए नहीं है जो हमारे लिए अच्छे कमेंट करते हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये उन लोगों के लिए जिनके माइंड में ना कुछ गलत सोच बैठ गई है ना हमारी, मतलब कुछ जो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं हमें, तो उनके लिए मैं ये वाला मतलब ये जवाब दे रही हूँ ताकि मतलब क्लियर हो जाए। और आप सबको हाँ ये डाउट था मतलब कितने मंथ हो गए, तो उस चीज़ से मैं बता दी हूँ कि हमारी शादी मार्च में हुई थी और मेरी प्रेगनेंसी को अभी मतलब 5 मंथ कंप्लीट हुए हैं, मुझे 6th नहीं हुए हैं, मतलब 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 6th चल रहा है, तो तो अगर मार्च में भी शादी हुई थी तो उसके हिसाब से भी लगा लो कि कौन सा महीना है कौन सा महीना नहीं है, 7 महीने तो शादी को ही हो गए। हाँ। और मैंने जल्दी प्रेगनेंसी के रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि जब हो गया था तो हम इसको मतलब नहीं करना चाहते, है तो है हमने रखा ठीक है, और मेरी प्रेगनेंसी को इतने मंथ हो चुके हैं तो ज्यादा ज्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है मेरे इस प्रेगनेंसी के, 8-9 महीने लग गया है और अब बस डिलीवरी होने जानी है, तो शादी से पहले का होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इंगेजमेंट अक्टूबर में हुई थी उन्होंने बताया, और शादी हमारी मार्च में हुई थी, उस टाइम बहुत गैप था, और शादी के बाद अब देखो 7 महीने हैं और मेरे अक्टूबर से को भी मार्च में कितना गैप हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने बाद शादी हुई है, ठीक है। हाँ अगर ऐसा कुछ होता या कुछ ऐसा होता तो ऐसे हबड़ा तबड़े नहीं मचती, इतना गैप रखते हैं एंगेजमेंट में और शादी में और सगाई में। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी कुछ लोगों को ये भी था कि हाँ कितने मंथ है कितना मंथ है, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दिया है। और जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं मैं उनको मतलब इग्नोर ही कर रही थी, बट जब ये वाली बात हो गई ना कि भाई पहले से ये पहले से होगा ये वो, तो इस चीज में ये मेरा होते हैं दिमाग टेंशन पाने खराब वाले लोग कि मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ऐसे बोलूंगा तो मेरे को कम से कम ये तो करेंगे वो तो करेंगे, अब टेंशन नेगेटिव कमेंट करेंगे तो टेंशन मिलेगी, पता नहीं कौन से हिसाब से दिमाग चल जाते हैं। तो गाइस ये थे आज मतलब जो मेरा दिमाग खराब हो रहा था, तो मैंने सोचा इनके इनका रिप्लाई देना बहुत जरूरी है, अब तो सबको हिसाब किताब बता दिया कि शादी कब हुई थी, शादी को कितने महीने हो गए और एंगेजमेंट कब हुई थी, अब उसके हिसाब से लगा लो, और उसके हिसाब से भी अगर दिमाग में गंदी भर रहा तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते, कमेंट तो तुम फिर भी वैसे ही करोगे।
कोई बात नहीं, बट जो अच्छे लोग हैं वो भी पूछ लेते ना कि कितने मंथ हो गए दीदी, कितने मंथ हो गए। अरे तो पूछने का तरीका भी तो होता है ना। तो ये अच्छे लोगों को मैं बता रही हूँ कि अच्छे लोगों को जवाब मिल गया कि हाँ भी मेरे प्रेगनेंसी को मतलब 5 मंथ कम्प्लीट हो गए, 6 तो हुआ नहीं है, मतलब 5 के मतलब 5 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप सबके लिए था। और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं कोई बात नहीं, करते रहो, इतना फर्क भी नहीं पड़ता। बट जब जब ज्यादा बेकार सी बातें होती ना तो उनका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि फिर ना अच्छे लोगों के मन में आ जाता है कि हाँ दीदी मंथ भी नहीं बता रही, क्या पता हो, तो इसलिए मैंने अब बता दिया। और मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही, तो इस वजह से मैं मंथ भी नहीं बता पा रही थी कि कौन सा मंथ चल रहा है मुझे, क्या सारी चीजें हैं। मैंने ब्लॉग ही बहुत टाइम बाद बनाया है, बट कोई नहीं, अब मैं जल्दी ब्लॉगिंग करूंगी। इन्होंने स्टार्ट कर दी तो मैंने बंद कर दी, तो अब ये तो कंटिन्यू रख ही रहे हैं, मैं भी करूंगी। और आप सब लोग आई सपोर्ट करते रहो, और आपके क्वेश्चनों का मैं आंसर देती रहूंगी। और स्टार्टिंग से हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें तो स्टार्टिंग से पता था, स्टार्टिंग से हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे हमारे काम पे भी फर्क पड़ता है, तो इसलिए हम नहीं बता रहे। और बताते भी नहीं, ये सबको पता है कि स्टार्टिंग में नहीं बताते, जल्दी से बताई भी नहीं जाती। अगर घर परिवार वाले जो भी लोग होंगे उन्हें भी पता है कि ऐसी चीजें ना जल्दी से पब्लिक में मतलब बताई नहीं आती कि ये सब हो रहा है। हाँ, और मम्मी जी तो मेरे को मंथ बताने के लिए मना कर रही थी कि मत बता कौन सा मंथ चल रहा है, बट लोग इतने नेगेटिव कमेंट कर रहे थे तो मतलब मुझे बताना पड़ा। बट कोई बात नहीं, आप सब लोग अच्छे लोग तो है मेरे साथ, तो आप सब लोग उसे सपोर्ट करते रहना और बेबी के लिए दुआ करना कि ठीक ठाक हो जाए, अच्छे से हो जाए। और बाकी लव यू गाइज, आप सब लोग इतना सपोर्ट करते हो और इतना ध्यान रखते हो मेरा भी। और गाइज मैं रील्स बनाती हूँ तो कमेंट करते हैं इतना डांस मत करो। गाइज मैं डांस बहुत लाइटली करती हूँ, अब इतना भी नहीं है कि हम बिल्कुल भी हिले ढुले ना, मतलब मैं खुद डांस बहुत नॉर्मल करती हूँ कि बेबी को कोई फर्क मतलब कोई सो प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी अपना अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, आप भी अपना अच्छे से ध्यान रखो, और आप सब लोग सपोर्ट करते रहो, ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप सबको जवाब देती रहूँगी। रात के ना 12:30 होने वाला, कितना हो रहा है, और देखो ये ब्लॉग एडिट कर रहे हैं आप सबके लिए, देखो तो देख रहे हो गाइस हम कितना मेहनत कर रहे हैं, ये कितने मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो प्लीज, क्योंकि 10,000 व्यूज आ रहे हैं, मतलब बढ़ नहीं रहे सब्सक्राइबर, मतलब व्यूज नहीं आ रहे, मतलब आप ना लोगों तक पहुंचा नहीं रहे। तो प्लीज अगर अच्छे लगे करें ना तो अपने स्टेटस पर लगा दिया करो, लोग देख ले करेंगे ताकि, है ना। तो चलो गाइस, तो गाइस देखो रात के ना कितने बजे टाइम दिखा देती, रात के 12:13 हो रहे हैं, और ये ना मम्मी पापा जी से छुप के मेरे लिए रात को 12 बजे चाउमीन लेके आ रहे हैं। इतने अच्छे देवर हो सकता है किसी के, जाओ तो गेट खोल के आओ। और मम्मी पापा जी अंदर है, अभी चुपके से गेट खोले जाएंगी दीदी और लेके आएंगी चाउमीन। वैसे जब ब्लॉग देखेंगे मम्मी पापा जी को पसंद जाएगी, बट कोई बात नहीं, मम्मी पापा जी डांटना मत मेरे लिए कर रहे हैं। मेरा चाउमीन खाने का बहुत मन था, तो बेचारे 12 बजे जाके चाउमीन लेके आए, देख रहे हो आप इतने अच्छे देवर हो सकते हैं किसी के, है ना। दिल ना लगे, प्रेम भाई कैसे बैठे हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके कैसा लगा? बहुत अच्छा, धन्यवाद। वहाँ तक गए पैदल, वहाँ पे पैदल गए थे भाई वगैरह सब अंदर नहीं करते थे। अरे हाँ चलो चलो, चाउमीन मेरी, चाउमीन बैठ जाओ, नहीं आई ऐसे पे लगे बैठे हो, ये चाउमीन खा लो, एक गुप्पा तो खा लो, एक गुप्पा भी नहीं, एक बाइट, इंग्लिश मैन आ जाओ एक बाइट खा लो, एक बाइट से कौन सा पेट भरेगा। क्या हुआ? अरे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ सबके। ओके चाउमीन खा लो, ऐसे पंडित देव और ऐसे देवर जी ऐसी नन कहाँ मिलेंगी बताओ या।
जब मेरे लिए रात को 12 बजे बजे चौमिन ले लेके आ रहे हैं। अभी दो लड़कियां और आ सकते हैं इस घर में शादी होगी। और जिसकी भी किस्मत होगी ना, इन जो मतलब दो नौ देवरानी आएंगी मेरी, चमकी किस्मत लेके आओगी भाई। तो चलो मैं खा लेती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप सबको जवाब देती रहूंगी। बाय।